देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दार्जिलिंग जिले के सांसद श्री राजू बिस्ता महाशय ने कालिम्पोंग जिले के कुछ पंचायती इलाके जो हैं गोरुबथान ब्लॉक के अंतर्गत टोडे तांगटा झोलुंग गैरीबास बिंदु और आसपास के क्षेत्रों के निर्वाचित पंचायत और पंचायत समिति सदस्यों से मिलने और बातचीत करने का आनंद मिला। कालिम्पोंग के कॉपिस बस्ती कुमाई पर आयोजित बैठक महत्वपूर्ण थी क्योंकि निर्वाचित पंचायत और पंचायत समिति के सदस्यों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कहाँ कैसे जिन क्षेत्रों में विपक्षी उम्मीदवारों को चुना गया है उन्हें स्थानीय प्रशासन के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विकास निधि परियोजनाओं और पहल से व्यवस्थित रूप से वंचित किया जा रहा है। हाल ही में दार्जिलिंग जिले के सांसद ने और भी साथ साथ कहा कि केंद्र सरकार ने दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों के पहाड़ी क्षेत्र इलाके में उन्हीं स्तर के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत 162 करोड़ रुपए का फंड जारी किया और हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार उन क्षेत्रों में धन के हस्तांतरण को रोक रही है जहां विपक्षी उम्मीदवार चुने गए हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि धनराशि सभी पंचायत क्षेत्रों के विकास के लिए दी जाती है ना कि सत्तारूढ़ दल से जुड़े भ्रष्ट नेताओं और ठेकेदारों के बीच वितरण के लिए और यह जनता का पैसा सार्वजनिक धन है और इसी पूरी क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को इस निधि के माध्यम से अपने क्षेत्र के विकास का समान अधिकार है। अंतिम में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के समक्ष उठाएंगे परंतु इन्हीं सभी जगह के दौरान जैसे कॉपिस बस्ती कुमाई के लोगों से भी मिला और बातचीत भी की और उनकी गर्मजोशी और प्यार भरे स्वागत के लिए खुद संसद ने कुछ इच्छा प्रकट की। वह बहुत आभारी और आनंदित हैं।